हेलो एवरीवन दिस इज क्लास नाइन मैथ्स चैप्टर टू पॉलोम सो टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव क्वेश्चन एट फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग सो हम लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं हम लोगों को इसको फैक्टराइज़ करना है अब हमारा पहला क्वेश्चन है एट ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो हम लोगों ने क्यूब वाले दो आइडेंटिटीज़ पढ़े थे एक तो हम लोगों ने पढ़ा था x प्लस वाई होल क्यूब और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था x माइनस वाई होल क्यूब तो कौन सी आइडेंटिटी हमारा क्वेश्चन में लगेगी उसको पहचानने के लिए एक ट्रिक होती है हमारा जो सेकेंड टर्म और जो थर्ड टर्म के साथ जो साइन है ना हम लोग वो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इसका मतलब यहाँ पे सेकेंड टर्म में प्लस है और थर्ड टर्म में प्लस है तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो अब हम लोग हमारी वैल्यूज़ पुट करेंगे हमारी आइडेंटिटी में सो एट ए क्यूब का क्यूब रूट होता है टू ए और बी क्यूब का क्यूब रूट क्यूब रूट होता है बी तब तो हम लोग आगे का सॉल्व करते हैं सो टू ए मल्टीप्लाई बाय बी बन जाएगा टू ए बी और टू ए बी मल्टीप्लाई बाय थ्री बन जाएगा सिक्स ए बी अब आप सिक्स ए बी को टू ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा ट्वेल्व ए स्क्वेर बी और जब आप सिक्स ए बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा सिक्स ए बी स्क्वायर तो हमें हमारा एक्स पता चल गया हमें हमारा वाई पता चल गया तो इसका मतलब टू ए प्लस बी होल क्यूब एजारा आंसर हम लोग इसको टू ए प्लस बी होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय टू ए प्लस बी होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय टू ए प्लस बी होल ब्रैकेट की तरह भी लिख सकते हैं दोनों आंसर्स राइट right है हमारा सेकेंड क्वेश्चन है एट ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ट्वेल्व स्क्वायर प्लस सिक्स ए बी कि तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी है उसको पहचानने के लिए हम लोग सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म देखेंगे तो सेकेंड टर्म में माइनस की साइन है और थर्ड टर्म में माइनस की साइन है इसका मतलब एक्स माइनस वाई क्यूब वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तब हम लोग हमारा वैल्यूज पुट करते हैं तो एट ए क्यूब का क्यूब रूट होता है टू ए और बी का क्यूब बी क्यूब का बी क्यूब का क्यूब रूट होता है बी तो हमें एक्स मिल गया और वाई मिल गया तो अब हम आगे का सॉल्व करेंगे सो टू ए मल्टीप्लाई बाय बी बन जाएगा टू ए बी और टू ए बी मल्टीप्लाई बाई थ्री बन जाएगा सिक्स ए बी सिक्स ए बी मल्टीप्लाई बाई टू ए बन जाता है ट्वेल्व ए स्क्वायर भी माइनस यहाँ पे एज इट इज ही रहेगा यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस बन जाएगा प्लस यहाँ पे सिक्स ए बी था तो सिक्स ए बी मल्टीप्लाई बाय बी बन जाएगा सिक्स ए बी स्क्वायर तो हमारा एक्स पता चल गया हमें हमें हमारा वाई पता चल गया तो हमारा आंसर आएगा टू ए माइनस बी होल क्यूब इसको हम लोग टू ए माइनस बी होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय टू ए माइनस बी होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय टू ए माइनस बी होल ब्रैकेट के फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं दोनों आंसर्स राइट right है अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन माइनस वन ट्वेंटी फाइव ए क्यूब माइनस वन थर्टी फाइव ए प्लस टू ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी उसको चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म तो सेकेंड टर्म में माइनस की साइन है और थर्ड टर्म में भी माइनस की साइन है इसका मतलब एक्स माइनस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ होएगी सो अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो ट्वेंटी सेवन का क्यूब रूट होता है थ्री और वन ट्वेंटी फाइव ए क्यूब का क्यूब रूट होता है फाइव ए तो हमें एक्स मिल गया और वाई मिल गया तब तो हम आगे का सॉल्व करेंगे सो थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव ए बन जाता है फिफ्टीन ए और फिफ्टीन ए मल्टीप्लाई बाय थ्री बन जाएगा फोर्टी फाइव ए ठीक है सो फोर्टी फाइव ए मल्टीप्लाई बाय थ्री बन जाएगा वन थर्टी फाइव ए यहाँ का माइनस यहाँ पे माइनस एज इट इज ही रहेगा फोर्टी फाइव ए मल्टीप्लाई बाय फाइव ए बन जाता है टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ए स्क्वेयर यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो अब हमें हमारा एक्स मिल गया है तो हमें हमारा वाई मिल गया है तो अब हमारा आंसर है थ्री माइनस फाइव ए होल क्यूब इसको हम लोग थ्री माइनस फाइव ए होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस फाइव ए होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस फाइव ए होल ब्रैकेट की तरह भी लिखेंगे तो भी हमारा आंसर राइट ही जाएगा दोनों आंसर्स करेक्ट है अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सिक्सटी फोर ए क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन बी क्यूब माइनस वन फोर्टी फोर ए स्क्वायर बी प्लस वन जीरो एट ए बी स्क्वायर तो इसमें हम लोग सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए तो सेकेंड टर्म में माइनस की साइन है और थर्ड टर्म में भी माइनस की साइन है तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई होल क्यूब वाली फॉर्म वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तब तो हम लोग हमारा वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सिक्सटी फोर ए क्यूब का क्यूब्रूट होता है फोर ए और ट्वेंटी सेवन बी क्यूब का क्यूब्रूट होता है थ्री बी तो x मिल गया और y मिल गया तो अब हम आगे का सॉल्व करेंगे सो फोर ए मल्टीप्लाई बाय थ्री बी बन जाता है ट्वेल्व ए बी और ट्वेल्व ए बी मल्टीप्लाई बाय थ्री बन जाता है थर्टी सिक्स ए बी थर्टी सिक्स ए बी मल्टीप्लाई बाय फोर ए बन जाता है वन फोर्टी फोर ए स्क्वायर बी यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस एज इट इज़ ही रहेगा फिर थर्टी सिक्स ए बी मल्टीप्लाई बाय थ्री बी बन जाता है वन ज़ीरो टू सॉरी वन ज़ीरो एट ए बी तो यहाँ का माइनस माइनस बन जाएगा हमारा प्लस तो हमें एक्स मिल गया है हमें हमारा वाई मिल गया है तो हमारा आंसर होगा फोर ए माइनस थ्री बी होल क्यूब इसको हम लोग फोर ए माइनस थ्री बी होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय फोर ए माइनस थ्री बी होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई फोर ए माइनस थ्री बी होल ब्रैकेट की तरह भी लिख सकते हैं दोनों आंसर्स ही करेक्ट है अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ट्वेंटी सेवन पी क्यूब माइनस वन अपॉन टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन माइनस नाइन पी स्क्वायर अपॉन टू प्लस पी अपॉन फोर तो हम लोग सबसे पहले देखें कि हम लोगों को कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो सेकेंड टर्म में माइनस की साइन है और थर्ड टर्म में भी माइनस की साइन है तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे तब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे सो ट्वेंटी सेवन पी क्यूब का क्यूब रूट होता है थ्री पी और वन अपॉन टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन का क्यूब रूट होता है वन अपॉन सिक्स तो एक्स भी मिल गया हमें और वाई भी मिल गया तब so, हम आगे का सॉल्व करेंगे सो थ्री पी मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन सिक्स बन जाता है थ्री पी अपॉन सिक्स तो अब हम लोग थ्री पी अपॉन सिक्स को और डिवाइड कर सकते हैं तो वो बन जाएगा पी अपॉन टू ठीक है वो बन जाएगा पी अपॉन टू पी अपॉन टू को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से तो वो बन जाएगा थ्री पी अपॉन टू थ्री पी अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय थ्री पी तो वो बन जाएगा नाइन पी स्क्वेर अपॉन टू यहाँ पर हमारा नाइन पी स्क्र अपॉन टू आ गया माइनस एज इट इज ही रहेगा यहाँ पे हमारा बन गया था थ्री पी अपॉन टू तो थ्री पी अपन टू मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन सिक्स तो थ्री पी अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन सिक्स तो वो बन जाएगा थ्री पी अपॉन ट्वेल्व तो ये वापस थ्री से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तो वो बन जाएगा p अपॉन फोर तो यहाँ पे आ गया p अपॉन फोर माइनस माइनस बन जाएगा हमारा प्लस तो अभी हमारा हमें हम हमारा x मिल गया और हमें हमारा y मिल गया तो हमारा आंसर है थ्री पी माइनस वन अपॉइंट सिक्स होल क्यूब इसको हम लोग थ्री पी माइनस वन अपॉइंट सिक्स होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय थ्री पी माइनस वन अपॉइन्ट सिक्स होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय थ्री पी माइनस वन अपॉइंट सिक्स होल ब्रैकेट के फॉर्मूले से भी लिखेंगे तो भी हमारा आंसर राइट right ही आएगा होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो डू शेयर Do comment and do subscribe to our channel Ask and Study. Thank you.